इन्हीं का एक और सवाल ये भी था कि वालिदैन से पहले हज पे जाना सही है, क्या हज कबूल होगा या नहीं होगा। तो वालिदैन को हज कराने से पहले औलाद का हज पे जाना, या वालिदैन खुद हज पे नहीं गए और उससे पहले अगर औलाद जाना चाहे, तो इसमें कोई शरई कराहत वाली बात नहीं है। हज फ़र्ज़ होता है अपने उसूल और अपनी शराइत के साथ, जिसके अंदर वो शराइत पाई जाएंगी हज के फ़र्ज़ होने की, उन लोगों पे हज फ़र्ज़ हो जाएगा। अगर वालिद पे हज फ़र्ज़ होने की शर्तें नहीं पाई गई और औलाद पे पाई गई, तो औलाद जो है वो हज कर सकते और उनका हज कबूल भी होगा। तो ये कोई शर्त नहीं है, ना कोई उसूल है कि पहले वालिदैन हज करेंगे जब तक औलाद रुकी रहे, या औलाद उनके बात करेगी, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो उनके हज के बग़ैर भी हज पे जाया जा सकता है। विजिट करें wazifa.sfswarsi.com पर और अपनी दीन और दुनिया की भलाई के लिए पाएं ढेरों आसान वजीफे।